चल जोर ला जोर ला जोर ला। दो दिन पहले बनाया है, मगर इस दोस्त के लिए थोड़ा सा जो है वो मैं तोड़ता हूँ। बच्चे दो ही बार क्या नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों आज के व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आया हूँ खेतों में से साग तोड़ने के लिए, क्योंकि एक दोस्त आ रहा है फूल नगर से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि साग शहजाद पे पकाना है, साग खाना है हम लोगों ने, तो उनके लिए मैं साग तोड़ने के लिए आया था। और ये साग के खेत के बाहर खड़ा हूँ मैं। ये भाई पीछे जो है, ये सामने जो है, उनसे जाकर पूछता हूँ। अगर उन्होंने मना ना किया तो मैं तोड़ूंगा, अगर उन्होंने मना किया तो मैं नहीं तोड़ूंगा। तो आप दोस्तों को अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर रखा कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि गांव में जो ऐसी वीडियो होती है वो तो अच्छी बनती है, क्योंकि गाँव का जो माहौल होता है वो देखने को मिलता है। तो वो जो पीछे बंदे वगैरह बना रहे हैं उनसे चलते हैं, उनसे पूछते हैं, और उनका जो काम है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं कि नहीं। और वो सामने मक्के की फसल है, और ये साग है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। होती तो अक्सर ऐसा ही है, क्योंकि मक्की जो है वो सामने खड़ी है और साग ये साथ खड़ा है, साग ये और मक्की वो। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, कहते हैं कि सरसों का साग और मकई का आटा, मकई की रोटी होनी चाहिए और मक्खन घी होना चाहिए। तो आपको इंशाल्लाह मैं ये साग जो है अभी तोड़ कर ले जाता हूँ वहाँ पे, जब पकाएंगे शायद, क्योंकि वहाँ पे सब घर वाले होंगे, घर वाले जो है वो पकाएंगे, मैं पकाना नहीं आता, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वो भी आने वाला है वहाँ पे। उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं सहीवाल से निकलने लगा हूँ, सूरज जो है वो ये सामने ग़ुरूब हो चुका है, तो आने वाला होगा 10-15 मिनट बाद। तो तब तक साग में ले जाऊँगा यहाँ से, तो घर वाले पकाएंगे। अगर यहाँ से लेट ले गया तो वहाँ से तो फिर लेट ही साग पकेगा, और मेहमान जो होते हैं उनका तो पता नहीं खाना खा के आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि साग खाना है हम लोगों ने। तो तोड़ते हैं जी, उनसे इजाज़त लेते हैं पहले, उसके बाद साग तोड़ेंगे। जल्दी करो यार, देख रहे पप्पी पापा बैठे हैं। चलो उतनी देर तक मैं साग पट के लाया, एक दोस्त आ रहा है बड़े दूरों, अच्छा मैं उतना साग पट के लाया। चार के खा तो सी खाना, पट के आप ही खा लो जी। दोस्तों ये साग का खेत है, आप यहाँ से मैं साग तोड़ूंगा, क्योंकि उनसे मैंने पूछ लिया है, उन्होंने कहा है कि आप तोड़ सकते हो, तो यहाँ से जो अच्छा अच्छा साग है वो तोड़ते हैं, क्योंकि हमने साग तो दो दिन पहले बनाया है, मगर इस दोस्त के लिए थोड़ा सा जो है वो मैं तोड़ता हूँ।
अगर दोस्तों आपको साग चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को तोड़ कर दूंगा। और यह साथ तरबूज का खेत है। चल दौड़ ला दौड़ ला दौड़ ला। ये साग तोड़े हैं उनका तुसी जुर्माना ला रहे हो ना? जुर्माना ला रहे, मजदूरी करा रहे हैं। चल इतनी मजदूरी है अब देख ले लगा जा हुआ बात हो गई ना जेडी कही सी ना। ठीक है ठीक है ठीक है चिक्की चल। बाबा मजदूरी तेरी पूरी होगी। अच्छा तू और चोट कर ना वहाँ पे रखता मेरा मैडम ऐसे दे रहे थे बंदा तो खैर गया भाई। मजदूरी तो कराम नहीं आई साग दा जुर्माना लाया। हम जुर्माना ये भी हम थोड़ा चले ना थोड़ी। चलो ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने साग जो है वो तोड़ लिया है तो उन भाइयों के लिए मैंने वो जो बनना है वो भी बना कर दिया है थोड़ा सा। तो मैं इंशाल्लाह वापसी चलता हूँ, तो वापसी जाकर वो साग वगैरह जो है कर देता हूँ, वो घर वाले बनाएंगे। दोस्त भी आने वाला है, दोस्त तब तक आ जाएगा तो हम लोग जो है पका कर दोस्तों को खिलाएँगे। बकाया जो साग है वो थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने भी खाना है और घर वाले और भी खाएंगे, इसलिए जी यहाँ से तोड़ा है मैंने, और भी तोड़ते हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगले व्लॉग पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो भी वीडियो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें हमारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।